हेलो गाइस, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम बात करेंगे सलार मूवी। जी हाँ दोस्तों, क्या पोस्टपोन होगी ये मूवी। बात करेंगे, थंबनेल देखकर आपको लगा होगा कि यार ये क्या बोलने वाला है आज। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो दोस्तों एक बात मैं आपसे कहूँगा कि जब सलार मूवी का अनाउंसमेंट किया गया था, रिलीज डेट का कन्फर्म की गई थी, तो उस टाइम बहुत हंगामा हुआ था। दोनों फैंस लड़ाई करने लगे थे कि भाई जब ये रिलीज डेट अनाउंसमेंट किया गया था सलार मूवी का, तब जो फैंस लोग थे वो आपस में लड़ गए कि भाई तुझे ये जो प्रशांत नील है, घमंड हो गया है इसको, प्रभास को घमंड हो गया है, बड़ा सुपरस्टार समझता है, शाहरुख खान के सामने क्लैश किया है और उनको पता है सब कुछ। पहले 1.5-2 साल से रिलीज डेट डंकी वालों ने अनाउंसमेंट कर दी थी, फिर भी क्लैश कर रहे हैं शाहरुख खान के साथ, जानबूझकर नीचे दिखाना चाहते हैं, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। मगर इस पे एक इंटरव्यू में प्रशांत नील को एक रिएक्शन निकल के सामने आ रहा है। एक रिपोर्टर ने पूछा प्रशांत नील से, ये आप क्या सोचते हो ये जो क्लैश है शाहरुख खान और जो आपकी मूवी का। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा काम है सिर्फ मूवी बनाने का, ठीक है, और जब मैं मूवी बनाता हूँ तो कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है, और ऐसे में मैं जब कंप्लीट कर ली है मूवी तो ये मेरा काम यहाँ तक ही होता है, आगे काम रह जाता है प्रोडक्शन हाउस का, जिस मूवी की प्रोडक्शन हाउस मतलब कि होम वाले फिल्म्स, उनका काम रह गया। इसमें हमारा और हीरो का, जो हीरो होता है प्रभास समझ लो आप, कोई भी रोल नहीं है कि हम करें रिलीज डेट अनाउंसमेंट। इसमें कोई हमारा रोल नहीं होता है, सिर्फ होम वाले फिल्म्स कर सकते हैं। हमने मूवी बना के दे दी, अब उनका ही काम रह गया है कि कब करेंगे इसको रिलीज डेट अनाउंसमेंट। तो उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया और रिपोर्टर ने पूछा क्या लगता है आपको शाहरुख खान के साथ क्लैश होके क्या फ़ायदा होने वाला है। उन्होंने बोला कि मूवी का क्लैश हमारी वजह से तो नहीं हो रहा, पीछे जो डेट है वो होम वाले फिल्म्स ने की है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और जहाँ तक की बात रही, मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, और उनके साथ क्लैश करना मेरा तो कोई काम नहीं, सिर्फ मैंने मूवी बनाई है, पीछे जो होम वाले प्रोडक्शन हाउस है उसी का काम है। यहाँ तक कि प्रभास का भी इसमें कोई रोल नहीं है, उनको तो पता भी नहीं था जब ये रिलीज डेट का अनाउंसमेंट किया गया था, उनको पता नहीं था कि ये रिलीज डेट है, ठीक है, उन्होंने इस इंटरव्यू में बोला, साफ साफ बोला। तो ये बात समझ के मुझे ये तो कंफर्म हो गया है कि भाई इन दोनों का, भाई प्रभास और प्रशांत नील का कोई भी रोल नहीं है। जो हम SR के फैंस जो लोग हैं वो लड़ते हैं, इसमें कोई रोल नहीं है भाई। ये जो रिलीज डेट अनाउंसमेंट की गई थी सिर्फ होम वाले फिल्म्स की तरफ से हुई थी, ठीक है। कुछ लोग बोलते होंगे अभी भी उनके दिल में ये होगा कि हाँ यार प्रशांत नील ने किया है, मगर ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने ये बोला कि भाई राजकुमार हिरानी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, यानी कि वो एक लर्नर है, वो सीखते हैं उनसे, हिंदुस्तान के बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने यहाँ तक बोला। तो ये बात क्लियर हो गई है कि भाई प्रशांत नील का इस मूवी से, रिलीज डेट से कोई लेना देना नहीं। हालांकि मूवी से लेना देना है, मगर जो रिलीज डेट है उससे कोई लेना देना नहीं उनका। तो मैंने सोचा यार ये न्यूज़ आपको बताना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, गुमराह करते हैं कि इसने किया है, इसकी वजह से किया है, और जो प्रभास के फैंस लोग होते हैं, SR के फैंस होते हैं, वो आपस में लड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है कि भाई इन दोनों का कोई रोल नहीं है इस रिलीज डेट में। ये जो फैसला हुआ है ना, वो होम वाले फिल्म की वजह से हुआ है, और वो भी फैसला होम वाले फिल्म से क्यों लिया है मैंने आपको बताया था, क्योंकि उनके एक गुरु नहीं होते, वो कुछ मानते हैं, ठीक है, गुरु लोग होते हैं, बड़े कोई गुरु लोग होते हैं, तो वो उनसे डेट एक कंफर्म करते हैं कि हमारा मुहूर्त कब रहेगा अच्छा। तो वो उनके गुरु ने ये डेट बताई थी, तब जाके उन्होंने होम वाले फिल्म्स ने ये जो रिलीज डेट है तब तय की थी। ऐसा नहीं है उन्होंने भी ऐसे ही कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पता था कि डंकी मूवी आ रही है, और जो उनके गुरु बोलो थे, जो गुरु है ना, उनके बड़े गुरु, उन्होंने बोला था कि भाई डंकी मूवी आ रही है, उनके साथ आप मूवी रिलीज़ करो, ये उन्होंने खुद बोला था। यहाँ प्रशांत नील ने नहीं, एक वेबसाइट ने खुद बोला था कि होम वाले फिल्म के जो बड़े गुरु हैं, जो
जो उनसे पूछते हैं मूवी की डेट के बारे में, तो तब बोला गया था कि भाई जो मूवी है आप डंकी मूवी के साथ रिलीज डेट लेके आओ, तब आपको ये मूवी फ़ायदा देगी। तभी तो आपको पता ना हो कि जब सलार मूवी का टीज़र आया था, सुबह मॉर्निंग में आया था 5:30 बजे, और वो भी यही वजह थी कि टीज़र को मॉर्निंग में लेके आओ, क्योंकि होम वाले फिल्म्स हैं वो गुरु को बहुत मानते हैं, इसी वजह से ये जो रिलीज डेट है वो कन्फर्म हुई डंकी के साथ। सॉरी यार, बीच बीच में अटक जाता हूँ ना, तो उसके लिए सॉरी। तो बस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।